ब्रांड था और ये अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने बी लव के वाले से बहुत अजीबोगरीब बातें की, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे उनकी इलिटरेसी शो होती थी, क्योंकि कंपनी की कमिटमेंट 500 डेज की थी जो आज तक पूरे नहीं हुए। 500 दिन आज तक पूरे नहीं हुए। और ये कौन से 500 दिन थे? ये वो 500 दिन थे जो कंपनी ने बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर अनाउंसमेंट कंपनी ने अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कशन की थी। इसमें व्हाइट पेपर में भी वो पेपर, ठीक, ओके ओके सॉरी। अच्छा, तो बी लव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया में गई है। बहुत सारे क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, बहुत सारे क्रिप्टो के टोकन्स हैं जिन्होंने सक्सेस ली है, लेकिन इतने एग्रेसिव लेवल पे, यानी कि 205 मुल्कों में दुनिया के कोने कोने तक किसी कॉइन ने सक्सेस नहीं ली। अगर हम बात करें बी लव की सक्सेस की, तो बी लव टोकन की सक्सेस की, तो या बी लव प्रोजेक्ट की सक्सेस की, तो पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, अमेरिका, दुनिया के हर एक कोने में आप लोग जितनी मर्जी नेगेटिव बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो जो बंदा सिर्फ अपने गिरेबान में झांके या अकेले में बैठ के ये जरूर कहता होगा कि यार जितनी इनकम, जितना पैसा, जितनी कामयाबी या जो हमारी लाइफ में चेंजेस बी लव की वजह से आई है, वो किसी की वजह से नहीं है। इस बात को हर बंदा एक्सेप्ट करता है। जहां पे नेगेटिव लोग बात करते हैं, वहां पे पॉजिटिव ही बात करते हैं लोग। बहुत ज्यादा 90% लोग पॉजिटिव बात करते हैं, और नेगेटिव जो बात कर रहे थे वो लोग कर रहे थे जिनको क्रिप्टो की समझ नहीं होती, या जिन लोगों ने उन लोगों के मैसेजेस सुने होते हैं जिन्हें खुद क्रिप्टो की नहीं समझ होती, और वो कंपनी को सजेशंस दे रहे होते हैं, कंपनी को मशवरे दे रहे होते हैं, और कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। हालांकि वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफा क्रिप्टो का सी या नेटवर्क मार्केटिंग का एन या सक्सेस का सी सुनी इनोवेशन फैक्ट्री की मीटिंग्स में है। तो मैं आप लोगों को एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा, कोई भी न्यूज शेयर करने से पहले, कि सबसे पहले ना, जो लोग नेगेटिव है ना, वो लोग हैं जिनके पास खुद का एक टोकन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा से दुनिया में मासूम लोग कामयाबी लेते हैं। मासूम लोग कौन लोग होते हैं? जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, जो कोई भी काम करने के बाद ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब हमने जो करना था वो कर लिया, कामयाबी ऊपर वाले ने देनी, और देने वाली भी वही जात है। लेकिन बहुत सारे समझदार जो समझते हैं कि यार हम बहुत समझदार हैं, इस तरह के लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। और मैं चाहूंगा, देखें, क्रिप्टो में एक चीज कॉमन मिलेगी, बिटकॉइन ले लें या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, और वो है पछतावा, वो है रिग्रेट, वो है काश। क्या काश? काश मैं उस वक्त ना बेचता, या काश मैं उस वक्त बेच देता। ये काश जो है ना, पछतावा, ये क्रिप्टो के हर प्रोजेक्ट में है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, हमारे साथ, हर बंदे के साथ होता है, कि जब आपने कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करना है तो उसकी प्राइस नीचे आनी है, जब आपने सेल करना है तो उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। पूरी इंडस्ट्री दार लोग, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो डिफरेंट मार्केट में अपने सिग्नल्स दे रहे होते हैं, पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं कि जी हमने ऐसा कर दिया तो हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अपने आप को इंसान धोखा नहीं दे सकता। वो भी ये कहते होंगे कि काश जो मैंने लोगों को सजेशन दिया होता, नहीं किया होता तो काश का लफ्ज उनकी जिंदगी में आ जाता है। तो इसी तरह से क्रिप्टो में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उन सक्सेस स्टोरीज के पीछे पेशेंस होता है, सब्र होता है,
क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कामयाबी वो लेते हैं जो सबर करते हैं, लेकिन बी लव की कम्युनिटी में 90% वो लोग आए जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते ही नहीं है, जिन्हें इस इंडस्ट्री का पता ही नहीं था। तो जाहिर है वो एक आम दुनिया से हट के सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कि क्रिप्टो से दुनिया की जिंदगियां बदल गई, मैंने फलाने बंदे की लाइफ चेंज हुई, उसको देख के मैं भी बी लव में आ गया, ये क्रिप्टो में आ गया। उसने उसकी कामयाबी तो देख ली, लेकिन उसके पीछे जो नाकामियां थी वहां तक पहुंचने के लिए जो उसके पांव में छाले पड़े या जख्म हुए उनको नहीं देखा किसी ने। वो ये कहते हैं ना कि कौन रखता है बहते हुए अशकों पे नजर, कौन रखता है बहते हुए अशकों पे नजर, लोग हंसते हुए चेहरे को दुआ देते हैं। तो जब कामयाबी देख रहे होते हैं तो उसको देख के बहुत सारी दुनिया आती है, यार ये कामयाब हो गए हम भी कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे, और खास तौर पे वो लोग तो लाजमी होंगे जो इनोवेशन फैक्ट्री के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री साइलेंट होगी, जैसे कि 2-3 महीने जानबूझ के, देखें आपको डे फर्स्ट से बताया जा रहा है कि कंपनी के पास कार्ड के, जिस तरह ताश के 52 कार्ड होते, कंपनी के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। बी लव को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को लग रहा है पिछले 3-4 महीने से कंपनी साइलेंट मूड में गई हुई है, कंपनी ने बी गोल्ड के ऊपर फोकस कर लिया, बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लिया, बी लव को भूल गई है। लेकिन आपको कई दफा समझाया कि भाई बी लव नाम ही ऐसा है कि उससे हमें भी प्यार है और आपको भी प्यार है, बी लव हमारा लव है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को आज अगर एक शोहरत मिली है या कामयाबी मिली तो उसके बैकएंड पे बी लव का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो आप अपनी जिंदगी में कैसे उस चीज को भूल सकते हैं जिसकी वजह से आपको दुनिया जानती हो, या जो आपके लिए एक ब्रांड इमेज बन चुका हो, या जो एक सिंबल ऑफ सक्सेस हो आपका, आप कैसे उसको भूल सकते हैं? लेकिन कंपनी अपनी वर्किंग कर रही है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इनोवेशन कंपनी साइलेंट मोड में चली गई, जबकि लीडर्स को पता है कि हम सुबह 4-4, 5-5 बजे से पिछले 1 महीने से लगे हुए, आप लोगों तक न्यूज नहीं आ रही, लेकिन हम सारी सारी रात काम करें, यहाँ पे 8-10 लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम करें, रीजन कुछ तो हो रहा होगा। लॉजिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो पीछे कुछ तो कंपनी कर रही है जो कंपनी दिन रात कर रही है और मार्केट में बता भी नहीं रही। हालांकि ऐसा होता है नॉर्मली कि बताया बहुत कुछ जाता है लेकिन बैकएंड पे कुछ नहीं हो रहा होता, यहां पे क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री है यहां पे आप बता कुछ नहीं रहे लेकिन बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा है जो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएगा और असल मीटिंग जो होगी वो हमारी, हाँ नहीं,